सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुछ लोग वंदनीय होते हैं, कुछ लोग सम्माननीय होते हैं और कुछ लोग ना तो वंदनीय होते हैं ना सम्माननीय होते हैं। एक सामान्य जीवन जीते हैं अच्छे लोग। अच्छे लोग तीन प्रकार के होते हैं। एक सामान्य है जिनकी ना कोई वंदना करता है ना कोई सम्मान करता है। दूसरा व्यक्ति वह है जो सम्माननीय है लेकिन वंदनीय नहीं है। तीसरा व्यक्ति वह है जो वंदनीय है। धर्म सत्य वस्तु व्यवस्था भी ऐसी ही है। दुनिया में कुछ वस्तु गे हैं, दुनिया में कुछ वस्तुएं आराध्य हैं, दुनिया में कुछ वस्तु साध्य हैं। ये तीनों की परिणति का अर्थ ये है कि वो व्यक्ति वो वस्तु जो दुनिया को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन वो वस्तु है, वो सत्य है, वो धर्म है, लेकिन वैसे धर्म को पाने की किसी की रुचि नहीं है। उस सत्य तक पहुंचने को किसी को कोई रुचि नहीं है, उस वस्तु सत्य को जानने के संबंध में कोई को जिज्ञासा नहीं है कि मैं इसे जानूं। वो वस्तु है। दूसरा व्यक्ति वह होता है, वह वस्तु होती है जो व्यक्ति को दो तरीके से आकर्षित करती है, जो एक साध रूप में आती है और एक आराधना के रूप में आती है। अच्छे व्यक्ति की ये तीन पहचानें में एक पहचान तो हम गौण करते हैं, दूसरी पहचान जो अभी दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में चल रहा है, कौन व्यक्ति सम्माननीय होता है और कौन व्यक्ति पूजनीय होता है। क्यों करते हैं लोग उसका सम्मान, क्यों करते हैं उसकी लोग पूजा, क्यों ध्यान करते हैं, क्यों भजन करते हैं, क्यों पंच कल्याणक करते हैं, क्यों साधु उनका ध्यान करता है। जब किसी वस्तु को देख करके हम इतने आकर्षित हो जाते हैं, हमारा मन मचल उठता है, हम इन जैसे कब बनेंगे, मुझे इन जैसा बनना है, वह साधक कहलाता है। किसी वस्तु को देख करके यदि तुम्हारे मन में उस जैसा बनने का आयव है तो समझ लेना तुम साधना करने के योग्य हो, तुम साधक हो, तुमने साध बना लिया कि जैसा ये है वैसा मैं बनूंगा। भगवान को दो दृष्टिकोण से देखते हैं हम लोग। भगवान से कुछ चाहते नहीं हैं लेकिन हम लोग भगवान को देखते हैं, उनको देखते ही मन होता है मैं कब भगवान बनूंगा। फिर मैं उनका ध्यान करता हूँ, उनका जीवन परिचय पढ़ता हूँ, वो किस रास्ते से गए उस रास्ते का परिचय करता हूँ, घाटियों में उन्होंने अपने जीवन को कैसे संभाला मैं
उसका सारा स्टडी करता हो, पूरा जीवन उनका पूरा वाइवेटा तैयार करता हूँ। मेरी रुचि होती है कहाँ इनको कांटे लगे थे, कहाँ इनको फूल बिछे थे, कैसा इनका जीवन था। साधु लोग भी महान आत्माओं को पढ़ते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके जीवन का परिचय करते हैं, क्योंकि उनके मन में भाव आ जाता है देख करके कि मैं इन जैसा कब बनूं, मैं इन जैसा पावन कब बनूं। तो आंख बंद करके उनका ध्यान करते हैं, शास्त्रों को खोज करके उनके जीवन शैली को उनको अपना सीनियर बनाते हैं और स्वयं जूनियर बन जाते हैं और प्रयास करते हैं कि हे भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। वो बेटा बन के जीते हैं, भगवान को पिता मानते हैं। बेटा का एक लक्षण होता है, पिता से कुछ मांगता नहीं है, पिता से मांगने का भाव नहीं आता, पिता से कुछ पाने का भाव नहीं आता, क्योंकि उसके अनुभव में आती है पिता की संपत्ति मेरी बसियत है। मैंने कल कहा था, जब जब तुम्हें पिता से कुछ मांगने का भाव आवे, समझ लेना पिता पुत्र का संबंध खत्म है, भिखारी और एक मालिक का संबंध चालू हो गया। चालू हो गया क्योंकि तुमने मांगने का भाव किया। तुम एक भिखारी बने और तुम्हारा पिता मालिक बना, उसकी कृपा पर तुम्हारी जिंदगी है, उसकी भीख पर तुम्हारी जिंदगी है। इसलिए मैंने कल कहा था, दुनिया में सब कुछ कर लेना लेकिन अपने पिता के सामने भिखारी मत बनना, माँ के सामने मांग कर रोटी मत खाना। जब माँ से रोटी मांगना पड़े तो माँ मालकिन है, तुम भिखारी हो। पिता की संपत्ति छीनना नहीं, डर मत दिखाना, भय मत दिखाना, उनसे बहस मत करना, नहीं तो तुम्हारा संबंध एक डाकू का और एक साहूकार का संबंध है। तुम छीनना चाहते हो, तुम भय दिखाते हो, तुम झगड़ा करते हो, तुम डाकू हो, वो एक सेठ है जिसके यहाँ तुम्हें डाका डालना है। डाकू यही करता है, दूसरे की संपत्ति को छीनता है, झपटता है, उनको मारता है, उनको बुरा कहता है, वो डाकू कहता है। जब जब तुम्हें अपने पिता की संपत्ति छीनने का भाव आवे, समझ लेना तुम्हारा रूप डाकू का है और वो सेठ है। और जब जब तुम्हारी दृष्टि अपने पिता की संपत्ति पे चाहत बने, छीन नहीं रहे हो, मांग नहीं रहे हो, लेकिन मन में विकल्प है कि पिता की संपत्ति मुझे मिल जाए, पिता की संपत्ति मुझे मिल जाए, समझ लेना तुम दास हो, तुम दास हो, तुम नौकर हो, वो तुम्हारा मालिक। तुम उससे चाह रहे हो कि वेतन मिल जाएगा, मैं इसकी सेवा करूंगा ये मुझे वेतन देगा, मैं इसको खुश करूंगा ये मुझे संपत्ति देगा, मैं पिता का आदर करूंगा मुझे अपनी बसियत दे देगा। जब जब तुम्हारी चाहत अपने बाप की संपत्ति पर हो कि संपत्ति मुझे मिलना चाहिए, तब तब तुम मात पूर्व भव के तुम नौकर हो, तुम दास हो और वो सेठ है। जब जब तुम्हारे लिए मांगने का भाव हो, समझ लेना तुम बाप बेटा भिखारी और एक मालिक है। जब जब तुम्हें छीनने का भाव हो, समझ लेना तुम किसी ना किसी भाव में डाकू थे और वो एक धनवान व्यक्ति था जिसे तुमने लूटा था, आज फिर लूटने के लिए आ गए। कभी लूटा था तुमने उसको,
कभी लूटा था, आज भी तुम्हें लूटने का भाव आ रहा है। आपको ऐसा पिता मिला जो तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दे रहा है, तुम्हें छीनना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें डाकू बनना पड़ेगा। पूर्वभाव का संबंध डाकू और सेठ का था, आज वो डाकू बेटे के रूप में आया, सेठ बाप के रूप में आया। संबंध है, नियम है, जब वहाँ पूरा नहीं कर पाए तो यहाँ करने के लिए कर्म ने कहा जाओ मैं तुम्हें बेटा बनाता हूँ, बेटा बन के बाप की संपत्ति छीनो, तुम्हें कुछ भी करना मारना पड़े तो मार डालो। डाकू संपत्ति छीनता है, मार डालता है, मर्डर कर देता है धन के लिए। ऐसे कई बेटे मार देते हैं अपने बाप को, जेल भेजते हैं, बंदी बना देते हैं अपने बाप को, कोर्ट केस कर देते, क्योंकि वो पूर्वभव का बेटा नहीं, डाकू बन करके, डाकू बेटा बन के आया है, जो पूरा नहीं लूट पाया था अब लूटने आया है। चौथी दशा प्रकट जो हमने कल बताई थी, पिता की संपत्ति को पाने का भाव नहीं रखना, मांगने का तो रखना ही नहीं, छीनने का तो आज ही त्याग कर देना। तुम्हारे मन में कभी भी पिता की संपत्ति का भाव ना आवे, मात एक ही भाव आवे, मैं अपने पिता जैसा कब बनूंगा, मैं पिता जैसा इज्जतवान बनूं, पिता जैसी कमाई करूं, पिता जैसी मेरा आचार हो, पिता जैसे मेरे विचार हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पिता जैसा पवित्र बनना चाहता हूं। मेरे पिता के जो आचार हैं, मेरे पिता के जो विचार हैं, मेरे पिता की जो नगर में इज्जत है, वो इज्जत मैं पाना चाहता हूँ। मेरे पिता के में जो कला है वो कला मैं चाहता हूँ। पिता से मुझे कुछ नहीं चाहिए, पिता के पास जो कला है वो कला मुझे मिलना चाहिए, पिता की जो इज्जत है वो मेरी होना चाहिए, पिता के जो विचार हैं वो मेरे विचारों से मैच होना चाहिए। हमारा कुल का जो आचरण है वह आचरण मेरी जिंदगी का आधार होना चाहिए। जिस दिन तुम्हें ऐसा भाव आ जाए, समझ लेना तुम जन्म जन्म के बाप बेटे हो और जन्म जन्म तक बाप बेटे रहोगे, जन्म जन्म तक, क्योंकि तुमने कुछ चाहा ही नहीं, तुमने चाहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो पिताजी जैसी हैसियत चाहिए, मैं तो तुम स्वरूप बनना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, मुझे पिताजी चाहिए, मुझे बाप से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाप चाहिए। बस दुनिया का एक सूत्र ले लो आप, दुनिया में किसी भी वस्तु से यदि तुम आकर्षित हो, अच्छा लग रहा है, खुश हो, तो बस तुम एक ही भाव करना, इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह मुझे चाहिए, बस तुम्हारी जीत चालू है। मांगने पर तो उतना मिलेगा जितना तुमने मांगा है, छीनने पर उतना मिलेगा तुम छीन पाओगे, चाहत में उतना मिलेगा जितनी तुम सेवा कर पाओगे, और यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि नहीं मैं तो तद्रूप होना चाहता हूँ, तुम वह सब पा जाओगे जो पिता के पास है। आज दुनिया में सबसे बड़ी गंदी बात हो गई, वो भी बताऊंगा, मेरी जिंदगी में वह चाहिए जो मेरे पूर्वजों में है। जब लोग राजगद्दी पर बैठा करते थे तो उन राजाओं को, बैठने वाले राजकुमार को वंशावली सुनाई जाती थी, और उस वंशावली में बताया जाता था तुम्हारे ऐसे ऐसे राजा हुए, ऐसे ऐसे राजा हुए, क्या तुम ऐसे हो? विक्रमादित्य, राजा भोज आदि की कहानियों में यही आता है। जब उनका वारिस बैठता था तो लोग सुनाते थे कि इस गद्दी पर ऐसे व्यक्ति बैठ चुके, क्या तुम ऐसे हो? मैं राजस्थान में था, राजा मान सिंह का राज्य रहा, उनके राजकुमार का राज्याभिषेक था, आज भी होता है। तो राज्याभिषेक के पहले उस छोटे राजकुमार को पूरी वंशावली सुनाई गई
और 300 पीढ़ी की वंशावली सुनाई गई, 300 पीढ़ी की, और 300वीं पीढ़ी को उन्होंने बेहद हेडलाइन दिया कि इस 300 पीढ़ी पर, इस राजगद्दी पर, इस वंश की गद्दी पर राजा राम बैठे थे, राजा राम की गद्दी है, राजा राम के वंशज हो तुम, राजा राम का अंश हो तुम, आपको विचार करना है। इस गद्दी पर वो शक्ति बैठी थी जो आज सारे जगत के लिए आदर्श है, सारे जगत के लिए पूजनीय है। सारे जगत के लिए वंदनीय है, सारे जगत के लिए आदर्श है। यदि ये गुण तुम्हारे में हो तो तुम इस गद्दी पर बैठने लायक हो, शपथ होती। ऐसा ही तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। जब भी तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त हो उससे कुछ मत चाहो, उसे चाहो, उसे भी मत चाहो, उस जैसा बनने का संकल्प करो। यदि कोई धनवान कोई व्यक्ति दिख जाए, महानुभाव, उसका धन छीनने का भाव मत करना। धन छीनने वाले कभी भी समृद्ध नहीं होते, कभी भी समृद्ध नहीं, वे चोर चोरी बने रहते हैं। छीना हुआ धन कभी फलता नहीं, कभी नहीं फलता। मैंने बहुत बड़े बड़े तानाशाही, राजाशाही, गुंडे देखे जो एक दिन उनके वंश में नाम लेने वाला नहीं बचता, क्यों छीनी हुई वस्तु के साथ बद्दुआ आती है, छीनी हुई वस्तु के साथ आंसू आते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि निर्मल है। लेकिन गरीब दुखी हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अंदर से ऐसी बद्दुआ देगा कि बलवान व्यक्ति तो एक जिंदगी बिगाड़ता है, लेकिन निर्बल व्यक्ति अपनी बद्दुआ से तुम्हारे जन्म जन्म बिगाड़ देता है। ध्यान रखना, जन्म जन्म बिगाड़। बलजोर व्यक्ति से यदि तुम्हारा कुछ बिगाड़ हो जाए तो कुछ नहीं, वो एक थप्पड़ लगाएगा तुरंत निपटा देगा, लेकिन कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, पिट जाएगा। कमजोर व्यक्ति लुट जाएगा, लेकिन तुम्हें ऐसी बद्दुआ देगा कि तुम्हारे वंश में कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। ऐसी दशा को प्राप्त हो जाओगे, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने किसी गरीब को, निर्मल को सताया है, उसका कुछ छीना है, छीना है। इसलिए छीन कर तो कभी जिंदगी जीना नहीं, किसी धनवान को देखकर धन छीनने का भाव नहीं लाना, उससे मांगने का भाव मत लाना कि थोड़ा सा मुझे दे दो। उसके धन पर कभी अपनी नियत खराब मत करना। लो, मैं तुम्हें एक मोटिवेशन दे रहा हूं, बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, बहुत बड़ी ताकत दे रहा हूं। जैसे ही धनवान को देखो, देखते ही तुम बात करो कि मैं ऐसा धनवान कब बनूंगा, ये धनवान क्यों बना, उसकी जिंदगी का भाई बेटा लो। छापा डालने के लिए नहीं, लूटने के लिए नहीं, ये इतना महान आदमी क्यों बना, ये धनवान क्यों बना, इसने क्या अतीत में किया था, क्या वर्तमान में कर रहा है, बस उसकी जांच, उसका पूरा इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर दो, पूरी जिंदगी की उसकी कथा बना लो, क्योंकि तुम्हें धनवान बनना है। धनवान बनने वाले को किसी धनवान की जिंदगी को कथा बना लो, यही मेरी कथा है, और उस कथा को पूरी तैयारी करो, समझो, और उस कथा को अपने जीवन में उतारो, उस कथा का वाचन करो। ये कथाएं महापुरुष की बांची जाती हैं किस लिए, उनको याद रखने के लिए नहीं, उनके जीवन के आदर्शों को मैं याद कर सकूं, क्योंकि मुझे उस जैसा बनना है। यदि अमीर को देखकर तुमने ये कला सीख ली तो महानुभाव,
तुम वो राजा बनोगे, ना डाकू बनोगे, ना भिखारी बनोगे, ना दास बनोगे, एक दिन उस धनवान जैसे तुम खुद सेठ बनोगे। ये दशा आना चाहिए, ये स्थितियां आना चाहिए किसी भी वस्तु को, पौद्गलिक हो, किसी का मकान हो, किसी की धन दौलत हो, कुछ भी हो, उसे छीनो मत, उसे पाने का भाव मत करो, उस जैसा बनने का भाव करो। धर्म क्षेत्र में आता हूँ, हम लोगों को भगवान बहुत पसंद है, बहुत पसंद, बहुत अच्छे लगते हैं भगवान का, तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान से कुछ भी छीनने का भाव नहीं आता कि भगवान से मुझे कुछ मिल जाए, उनसे ईर्ष्या भाव नहीं आता कि भगवान ने इतने गुण हैं, भगवान का इतना वैभव है, मैं इनसे कुछ छीन लूं, मांगने का भाव तो आते ही नहीं। हम लोग कभी जिंदगी में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, और ना ही उनकी हमें संपत्ति की चाहत है, बस उनको देखकर एक ही संकल्प करते हैं, मैं भी आप जैसा भगवान कब बनूंगा। बस साधना चालू हो गई, साधना चालू हो गई, शक्तियां प्रकट होना चालू हो गया, तुम्हारा अमंगल मंगल में बदल गया, तुम्हारी खुद की शक्तियां उसी दिन से जागना चालू हो गई। जिस दिन से भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आया, समझ लेना तुम्हारी ऐसी शक्तियां जागेंगी, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। करके देखना कब। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी महाराज को, किसी सज्जन को, किसी अच्छे व्यक्ति को देखना जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगता हो, जिस तरफ से तुम्हें अच्छा लगता हो, आप उसको देख करके ये भाव आ जाए, बस एक भाव करना, मैं इस जैसा अच्छा आदमी कब बनूंगा, मात्र एक मिनट के लिए भाव करना, प्रैक्टिकल करना, एक मिनट को ये भाव करना, कितना भी आपका मन गंदा होगा, उस एक मिनट में आपका मन पवित्र हो जाएगा। तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि मेरे मन में पवित्रता प्रवेश कर गई, मेरी दृष्टि शुद्ध हो गई, क्योंकि इसकी दृष्टि मुझे बहुत पसंद है, इसकी दृष्टि इतनी पावन है, इतनी पवित्र है, कि ऐसा लगता है मैं यह मुझे देखता रहे, मेरी दृष्टि भी ऐसी पावन बने कि हर व्यक्ति चाहे कि यह मुझे कब देख लेंगे। मैंने दो दिन पहले कहा था, दो प्रकार की आँखें होती हैं, एक आँख वह है जो किसी के ऊपर उठ जाए, जन्म जन्म धन्य हो जाते हैं, ओहो आज मुझे गुरु ने देख लिया, मैं धन्य हो गया, एक आनंद की अनुभूति, स्फुरन, कुछ दिया लिया नहीं, मां देखा है, एक अंदर का स्फुरन हो जाता है, अंदर का एक स्पंद हो जाता, मुझे देख लिया। एक आंख वह है जो कभी किसी को देखता है तो सामने वाला कहता है इसकी आंखें फूट जाएं, देखो ये घूर के देख रहा है, दोनों देख रहे हैं, एक ने देखा तो उसका जीवन धन्य हो गया, एक ने देखा तो उसका जीवन समाप्त हो गया, उसने कहा देख ये मुझे देख रहा है, भगवान करे इसकी आंखें फूट जाए, और भावनाएं करता भगवान ये मेरी तरफ ना देख ले वे। ऐसे आदमियों को बद्दुआ मिलती है और वे जन्मांतरों में अंधे पैदा होते हैं। अंधा कौन पैदा होता है? जो जिसको देखता है उसको बुरा लगता है, जिसकी तरफ देखता है वो कहता है इसकी आंख फूट जाए, और भावना करता है भगवान ये मुझे देख नहीं ले वे, वो व्यक्ति अंधा होता है, अंधेरे में पैदा होता है, अंधेरे में पैदा होता है। जैसे रावण, रावण की दृष्टि बुरी थी, हर नारी कहती थी रावण की दृष्टि मेरे पर ना पड़ जाए, सीता ने भी कहा,
सीताराम जी का। जैन दर्शन के अनुसार राम और लक्ष्मण सीता को छुपा करके बाहर गए, किसी पापी की दृष्टि ना पड़ जाए। जो तुम्हारी दृष्टि से बचना चाहता है सावधान, जो तुमसे छुपना चाहता है, जो तुमसे बचना चाहता है, जिसको डर है कि ये व्यक्ति ना देख ले, वे समझ लेना आपका जीवन या तो अंधकार में पैदा होगा या अंधे हो गए, या तो अंधेरे में पैदा हो गए, दिन में आपको नहीं दिखेगा, उल्लू हो गए, मारजार हो गए, रात में दिखेगा दिन में नहीं दिखेगा, क्योंकि किसी की बद्दुआ तुम्हारी आंखों को लगी है, क्योंकि तुम आंखें तुम्हारी आंखें इतनी बदनसीब है कि जिस पर पड़ जाती हैं वही व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वही मिट जाता है। और आंखों की ज्योति चाहिए तो ऐसी आंख बनाओ जो जिसके ऊपर उठ जाए वो धन धन हो जाए, अवभाग अब मेरा बड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति ने देख लिया, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, अब कोई चिंता की बात नहीं, अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसने देख लिया, अब मैं मर नहीं सकता, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसने देख लिया है। क्या आपकी आंख ऐसी है जिस पे पड़ जाए उसका जीवन धन हो जाए? तुम्हारी आंख ऐसी नहीं है तो ऐसी आंख किसकी है उसको खोजो। ऐसी आंख किसकी है जिसकी दृष्टि पड़ते ही सब खुश हो जाते हैं, उसको खोजो। वो आंख का देवता है, वो आंख का भगवान है, कौन है ऐसा? बस उस व्यक्ति को देख करके ही तुम इतना ही स्वभाव करना, मेरी आंख इतनी पावन कब होगी जिस पर पड़ जाए उसी का बेड़ा पार हो जाए मेरी आंख। आप देखना उसी क्षण से तुम्हारी आंख में एक शक्ति जागेगी, ऐसी शक्ति जागेगी कि आपको उस समय दिखेगा जिस समय आपके जीवन में दुर्घटना होने वाली है। आप उस समय तुम्हारी आंख खुल जाएगी जिस समय कोई तुम्हारा मर्डर करने वाला है, जिस तुम्हारे घर में कोई डांका डालने वाला है, तुम्हारी आंख खुल जाएगी, क्योंकि तुमने एक बार उस आंख को पसंद किया था जो आंख इतनी पावन है, और परिणाम किया था वैसी आंख मेरी कब हो, मेरा कान, मेरे मुंह, मेरा सब कुछ किसी अच्छे व्यक्ति। हम महान व्यक्तियों की संगति करने का क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उनसे कुछ मिल जाएगा? नहीं महान हुआ हो। वो हमारी रक्षा कर देंगे? नहीं महान हुआ हो। जितने जितने बड़े महान होते हैं ये स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या करेंगे? जितने जितने बड़े होते हैं वो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। आपने देखा सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी स्वयं की बंदूक नहीं रख सकता। एक साधारण नागरिक जान माल का लाइसेंस लेके बंदूक रख सकता है, लेकिन राष्ट्रपति बंदूक नहीं रख सकता, स्वयं की रक्षा के लिए नहीं रख सकता, शस्त्र नहीं रख सकता। लाखों रुपए के बॉडीगार्ड लगाए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को एक लाइसेंस बंदूक का नहीं दिया जा सकता। क्यों? लाखों रुपए के बॉडीगार्ड लगते हैं, जब एक राष्ट्रपति बाहर निकलता है लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है एक यात्रा पर। राष्ट्रपति की एक यात्रा पर कहीं जाता है तो बहुत खर्च होता है, क्यों ना राष्ट्रपति को एक बंदूक का लाइसेंस दे दिया जाए, करोड़ रुपया बच जाएगा। लेकिन नहीं, कानून कहता है इसकी सुरक्षा के लिए करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए इसको बंदूक नहीं दी जा सकती। जितने बड़े आदमी, कलेक्टर बड़ा आदमी है उसके पास बंदूक नहीं होती, एसपी के पास होती है। कलेक्टर बड़ा है, वो आदेश दे सकता है, कलेक्टर के पास कोई बंदूक नहीं होती, कोई शस्त्र नहीं रखता। मैंने पूछा कलेक्टर, मैंने कि भाई आप तो एसपी से बड़े हैं। बोले महाराज मेरे पास कुछ नहीं, मैं रख भी नहीं सकता, मेरी रक्षा तो पुलिस करेगी क्योंकि मैं बड़ा हूं।
ऐसा ही अपने से जो बड़ा आदमी हो उससे कोई रक्षा की कामना मत करना। उस जैसी भावना, उस जैसे बनने की भावना कर दो, सारा जगत तुम्हारी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड बन जाएगा, सारा जगत बन जाएगा। मत करो कि भगवान मेरी रक्षा करे, नहीं, तुम बस इतना करो मेरा मन भगवान बनने के हो रहा है, सारा जगत तुम्हारी रक्षा करेगा, बजरंग बली भी तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाएगा, बजरंग बली हनुमान तुम्हारा रक्षक बन जाएगा। मां तुम वो दशा करो कि हमारे लिए तद्रूप होना है, ये साधना के सूत्र हैं, ये साध बनाता है वस्तु को, साधक साधक वस्तु से कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, वस्तु वस्तु वहां रह जाती है और उसके जीवन की कथा को अपने जीवन में उतार देता है। लेकिन आप लोग ये नहीं कर पाओगे, आप ग्रस्त, आप परिवार वाले, आपको भाव कभी नहीं आता, साधु को देखकर साधु भाव नहीं आता, भगवान को देखकर भगवान का भाव नहीं आता, आप ग्रस्त कभी नहीं आता, क्योंकि आप साधक नहीं हैं, आप उपासक हैं। आपका भाव आता है उन तीन में से एक, छीनने का भाव तो नहीं आता, इतना तो हमें विश्वास है। आप मेरे से कुछ छीनोगे नहीं, भगवान से कुछ छीनोगे नहीं, मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है कि मुझे जिस वस्तु को चाहिए है वो छीन करके नहीं लेंगे, छीनेंगे नहीं। लेकिन दो भक्तों में भी संदेह है, कुछ लोग मांग लेते हैं, माँ से रोटी मांग लेते हैं, छीनते तो नहीं, पिता से धन मांग लेते हैं छीनते तो नहीं, शेठ से धन मांग लेते हैं छीनते तो नहीं है, गुरु से आशीर्वाद मांग लेते हैं छीनते तो नहीं है, भगवान से कुछ मांग लेते हैं छीनते तो नहीं है। छीनने वाले तो अभी अपने भारत में नहीं है, और ख़ास तौर से इस आर्यावर्त में और ख़ास तौर से इस मध्य प्रदेश में, ख़ास तौर से पृथ्वीपुर में और ख़ास तौर से इस पंडाल में जो भी बैठे हैं, कोई छीनने वाला नहीं है, कोई किसी का छीनता नहीं। मुझे विश्वास है हमारे भक्त कभी डाकू नहीं हैं, हमारे भक्त लुटेरे नहीं हैं, हमारे भक्त गुंडे नहीं हैं, गुंडे नहीं हैं जो दूसरे की वस्तु को छीने, हमारे भक्त रावण नहीं है जो दूसरे की वस्तु को छीन ले, ये तो नहीं है, ये दुर्गुण तो नहीं है, ये मुझे विश्वास है। अब दो दुर्गुणों में से 50% लोग ऐसे हैं जो डाकू तो नहीं है लेकिन भिखारी हैं, बाप की संपत्ति छीनते तो नहीं है, मांग लेते हैं पापा ये चाहिए, रोटी छीनते तो नहीं है माँ से रोटी मांग लेते हैं माँ रोटी चाहिए। इसमें 50% हमारे भक्तों में जो मांगते हैं अपने बड़ों से, अपनों से, पूज्य से, जिसके पास जो दिखता है उससे मांग लेते, भाई तुम्हारे पास ये वस्तु है मुझे दे दो ना, थोड़ा सा मुझे दे दो ना, मांगते। अब 50% में 40% वो लोग हैं थोड़े स्वाभिमानी हैं जो मांगते तो नहीं हैं, मांगते तो नहीं हैं लेकिन चाहते हैं, स्वाभिमानी थोड़ा इज्जत वाले हैं, मांगेंगे नहीं लेकिन अंदर अंदर मन में भाव करेंगे कुछ मिल जाए तो अच्छा है। पिता से संपत्ति चाहेंगे, माँ से रोटी चाहेंगे, भगवान से कुछ ना कुछ चाहेंगे, गुरुओं से चाहेंगे, चाहत आती है, चाहत आती है, मन में भाव आता है। 40% लोग उसमें चले जाते हैं, 10% लोग होते हैं जो हमने पहले तुम्हारी बात कही
वो कुछ भी नहीं चाहते, वो तो कहते हैं मुझे तो उन जैसा बना दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा मैं बन जाऊं बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये 10% लोग हैं। अब आपको पिता बनना है, आपको भगवान बनना है, आपको गुरु बनना है, तो आपके पास ये 4 गुण होना चाहिए। कौन सा बेटा चाहिए आपको, कौन सा भक्त चाहिए भगवान को, मुनि महाराज? भगवान सदा भाव करते हैं कि मुनि महाराज मेरा भक्त हो, साधु मेरा भक्त हो, जो मेरे जैसा बनना चाहता है। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरी संपत्ति पर आश्रित ना रहे, वो अपने पैर पर खड़ा हो, मेरी इज्जत की रोटी ना खाए, स्वयं इज्जत कमावे। हर पिता चाहता है, हर माँ चाहती कि बेटा मेरी उंगली पकड़ के ना चले, अपने पैरों से चले। हर माँ का ही स्वभाव है, हर भगवान का ही स्वभाव है, लेकिन ऐसे बेटे 10% हैं। यदि आप 10% ही अपने फॉलोवर भक्तों से संतुष्ट हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं। कभी कभी ऐसा भाव आता है कि हमारे भक्त बढ़ना चाहिए, कभी ना कभी हमारा ऐसा भाव आता है हमारी संतानें बढ़ना चाहिए, सारा जगत मेरा बेटा हो, सारे जगत का मैं पिता हूँ। हर व्यक्ति में पिता की दृष्टि से देखें और हर व्यक्ति को मैं बेटे की दृष्टि से देखूं, जो मेरे से छोटे की उम्र है। भगवान के मन में कभी ये भाव आवे कि मैं संसार के हर व्यक्ति को अपना भक्त बनाना चाहता हूँ। 10% भक्त बनाना है तो मैंने बता दिया। अब कभी तुम्हारे मन में भाव आवे कि मैं 100% अपना भक्त बनाना चाहता हूँ, 100% गुरु को भाव आवे कि मैं अपना फॉलोवर बनाना चाहता हूँ, 100% लोगों को भाव आवे कि हमें हर व्यक्ति पिताजी कह के पुकारे, हर व्यक्ति मुझे पिता की दृष्टि से देखे, पड़ोसी भी देखे, मोहल्ला भी देखे, नगर भी देखे, अरे ये तो पिता के समान है। तो निर्णय करना, 100% लोग तुम्हें मिलने वाले नहीं, क्योंकि 50% लोग तो डाकू हैं, छीनने वाले। आप 50% जो 40% लोग हैं उनको कैसे भक्त बनाओ? 40% लोगों को भक्त बनाना है। वो 40% लोग कौन से हैं, कौन से जिनके मन में ये भाव आ रहा है कि मुझे इनसे कुछ मिलना चाहिए? तो मंदिर जाते हो, 90% लोगों के मन में होता है आज मंदिर से भगवान से कुछ मिलना चाहिए। तुम गुरुओं के पास आते हो, गुरु का दर्शन करने नहीं आते हो। तुम्हें गुरु के पास वो शक्ति दिखी है जिस पर मन ललच गया है, वो आशीर्वाद मिलना चाहिए। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? एक बेटा माँ के पास जाता है क्योंकि ये माँ है, और एक बेटा जाता है माँ के पास, इसके पास भोजन है, इसके पास दूध है, मेरी भूख लगी हुई है, और भूख जिस दूध से मिलना है वो माँ के पास है, तो वो दूध की चाहत में माँ के पास जाता है। पहला नंबर दूध की चाहत में नहीं जा रहा था, माँ है इसलिए जा रहा था। लेकिन दूसरा बेटा कहता है माँ के पास जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसके पास दूध है और बिना दूध पिए मेरी भूख मिटने वाली नहीं है, क्योंकि मैं अभी कमा के नहीं जानता, मैं अभी भोजन नहीं पचा सकता। वो माँ को पकड़ता है, माँ के छोड़ने पर रोता है, लेकिन वो मात भाव कर रहा है इससे मुझे कुछ मिलेगा। आप दूसरे नंबर का बेटा बनकर गुरु के पास आते हो, गुरु महाराज हैं, साधु हैं, इसलिए नहीं कि मैं साधु हूं, इसलिए नहीं आए हो तुम
कि तुम्हें साधु बनना है। मुझे पता नहीं, पूछने में कोई बुराई नहीं, क्यों भाई तुम लोग यहाँ आए हो तो मैं ये समझ लूँ कि आप सब साधु बनने का भाव कर रहे हो। विधायक जी, राठौड़ जी, मान लो कि शायद तुम्हारे मन में भाव आया है कि महाराज मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं भी महाराज बन जाऊँ, है ना? छुपाने की जरूरत नहीं है, गुरु से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रहती। गुरु वो शक्ति है जो तुम्हारे अंदर भी झांक के देख लेता है, एक भी नहीं है। जो इसलिए आया हो कि महाराज हैं, मुझे भी महाराज बनना है, मुझे भी इतना पवित्र बनना है, मेरे जीवन भी इतना ही निर्मल और पवित्र हो, ये भाव तुम्हारा नहीं है। 99% लोग मंदिर जाते हैं इसलिए नहीं कि वो भगवान है, इसलिए नहीं कि उसे भगवान बनना है, इसलिए जाता है कि भगवान से कुछ हमें मिलना चाहिए, गुरु महाराज से हमें कुछ मिलना चाहिए। कुछ ना सही, आशीर्वाद सही, आशीर्वाद चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। आशीर्वाद लेने का अर्थ ही यही है, तुमने सब कुछ मांग लिया, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि आशीर्वाद मिल गया तो सारी जन्नत मिल गई, इसलिए आशीर्वाद मांग लो। बड़े आदमियों से ज्यादा नहीं मांगा जाता, ऐसा मांगा जाता है जिसमें सब कुछ हो। एक माजी थी, उसने कोई तपस्या की, एक दिन देवता खुश हो गए और देवता ने कहा कि देखो मैं एक वरदान दूंगा। और माँ जी कहती, मुझे तो 3-4 वरदान चाहिए, मैं अंधी हूँ, मैं भूखी हूँ, मेरे घर में खाना नहीं है और मेरे बेटे के यहाँ कोई संतान नहीं है। 3 चीज़ें चाहिए थी, संतान भी चाहिए थी, भोजन भी चाहिए था और दरिद्रता थी, गरीबी थी, धन भी चाहिए था और अंधी थी, आँखों भी चाहिए। और देवता ने शर्त क्या लगा दी, एक वरदान मांगो। और वो माँ जी मुश्किल में पड़ गई कि क्या करूँ, एक वरदान चाहिए, 4 चीज़ें हैं, एक वरदान में कैसे मांगूँ, एक में तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन वो महिला पृथ्वीपुर की थी, बुंदेलखंडी बहुत खतरनाक होते हैं, 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। पृथ्वीपुर बुंदेलखंड में आता है, जो भी हो, बहुत होशियार थी। उसने कहा, देवता तुम देवता हो तो मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य की तह लेने का प्रयास मत करना, मनुष्य को सीमा में बांधने का प्रयास मत करना, मनुष्य को मत बांधो, इसकी साधना और तपस्या को मत बांधो, मनुष्य ने तुम्हारी तपस्या की है, मनुष्य ने तुम्हारे लिए सिद्ध किया है, इसे सीमा में मत बांधो। तुमने सीमा बांध दी कि एक ही वरदान मांगना, तो लो एक ही वरदान देना, सावधान, एक ही वरदान देना। क्या मांगती, एक वरदान देखना, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते हुए देखूं, मैं अपने पोते को, पोता था नहीं, मैं अपने पोते को, धन था नहीं किस में देखूं, अन्न था नहीं खीर खाते हुए देखूं। एक वरदान हुआ कि 4, देवता भी मान गया कि वस्तुतः मनुष्य की कोई खोपड़ी अलग होती है। ऐसा ही तुम जानते हो, तुम्हारी ना जाने कितनी इच्छाएं हैं, कितनी तमन्नाएं हैं। तुम चाहते हो कि महाराज से क्या क्या मांगूं, और महाराज ने कहा देखो भाई कोई टाइम नहीं है, कोई एक ही चीज मांग लो।
अब बाबा जी ने तो कह दिया एक ही चीज़ मांग लो, अब क्या करो? चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। ओह, आर्य पुत्रों की एक विशेषता होती है, वो एक ऐसी शक्ति खोज लेते हैं जिसमें एक ही चीज़ चाहिए है और उनको सब कुछ मिल जाता है। गुरु कहते हैं कि मांग लो, क्या मांगना है? एक चीज़। बोले साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मात आपका आशीर्वाद चाहिए है। उसने समझ लिया कि आशीर्वाद मिल गया, सब कुछ मिल गया। अर्जुन ने यही तो कहा था। दुर्योधन ने पता नहीं क्या क्या मांगा, 11 अक्षौरी सेना मांग ली, सुदर्शन चक्र मांग लिया, शान दौलत सब मांग कर ले गया। अर्जुन से ने कहा, बोलो अर्जुन तुम क्या चाहते हो? तो बोले मधुसूदन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नाना प्रकार की वस्तु नहीं चाहिए, मुझे एक ही वस्तु चाहिए, वो है आप। एक मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। जहां श्री कृष्ण जिसके पक्ष में हो जाएंगे वहां सेना की शस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां मेरे ऊपर आशीर्वाद हो जाएगा हमें कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए तुम कम से कम कुछ ना कुछ तो चाहते हो। तो हमारे लिए नीति बनाई गई है कि यदि तुम दुनिया के चहेते बनना चाहते हो तो क्या कोई तुम्हारे पास ऐसी चीज है जो सामने वाला चाहता है? तुम महाराज बने हो इससे उसको ताल्लुक नहीं है, तुम साधु बने हो इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि तुमसे हमें क्या मिलेगा, पूजा उसकी होती है। साध और पूज्य मैंने प्रवचन के पहले कहा था, साधना साध वो होता है जो कुछ ना देता है ना लेता है, लेकिन पूजा उसी की होगी जिसको दुनिया से कुछ मिलता है, दुनिया को मिलता है। जहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पूजा नहीं होगी, वो भगवान होगा लेकिन उसका मंदिर नहीं होगा, भगवान होगा लेकिन मंदिर नहीं होगा, भगवान होगा लेकिन पूजा नहीं होगी, भगवान होगा लेकिन बंदगी नहीं होगी, भगवान होगा लेकिन उसकी आराधना नहीं होगी, क्योंकि उसके पास सामने वाले को देने को कुछ नहीं है। इस बार के पंच कल्याणक के प्रवचनों का मूल स्रोत बह रहा है, क्यों मनाए जा रहे इनके पंच कल्याणक, क्यों बनाए जा रहे करोड़ों रुपया खर्च करके इनके मंदिर, क्यों की जा रही है इतनी कथाएं? पसीने का पैसा है तुम्हारा, एक एक रुपया कमाते हो और आप इनकी पूजा में, आप इनके मंदिर में क्यों? ये भगवान है इसलिए नहीं, ये महान है इसलिए नहीं। तुम बहुत होशियार हो, अपन सब होशियार है, इनसे हमें वो सब कुछ मिलता है जो हम पूरे जन्म जन्म में नहीं कमा पाते, इसलिए हम लगाते, इसलिए लगाते। तुम भगवान को चाहत करके मंदिर नहीं बनाते हो, तुम्हारे लिए महसूस हुआ है कि यदि मेरे नगर में मंदिर है तो हमें वो शक्तियाँ मिलेंगी, वो सिद्धियाँ मिलेंगी जो हम जिंदगी भर भी प्राप्त करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। आप लोग साधुओं को भी क्यों बुलाते हो, क्यों बुलाते हो, क्यों इतने तड़पते हो? इसलिए कि मैं साधु हूँ? नहीं, तुम्हारे मन में, तुम्हारे ध्यान में तुम्हारे पूर्वजों ने एक बात कही है कि तुम यदि कुछ भी न कर पाओ तो कम से कम अपने नगर में, अपने घर में अपने गुरु के चरण पार देना, इतने में ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम गुरु को इसलिए नहीं चाहते हो, गुरु हैं इसलिए चाहते हो कि इनसे तुम्हें वो शक्ति मिलने वाली है जो शक्ति तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं पा पाओगे। अर्जुन कृष्ण को नहीं चाहता था,
अर्जुन कृष्ण को नहीं चाहते, धर्मराज हनुमान को नहीं चाहते, लेकिन धर्मराज हनुमान से कहते हैं आप कुछ मत करना, आप मेरी ध्वजा पर बैठ रहा मां देखना। कृष्ण जी ने कहा कि हमें अर्जुन ले जाके क्या करोगे, मैं चक्र भी नहीं उठा सकता, निहत्ता हूं। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आप उपस्थित रहना, मैं मरूंगा तो आपके सामने, हारूंगा तो आपके सामने, जो कुछ भी हो मेरी एक तमन्ना है। क्या कहते हैं, जब धर्मराज को हनुमान जंगल में मिले महाभारत की समय, तब भीम ने कहा हनुमान आप सत्य के पक्ष में थे, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप मेरे पक्ष में लड़िए। हनुमान कहते हैं भीम धर्मराज मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूं, मैं सन्यासी हो गया हूं, मुझे अब कोई न्याय अन्याय नहीं दिखता, मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूं, अब मैं युद्ध में नहीं उतर सकता, मैं कर्म योग को छोड़कर ज्ञान योग में चला गया हूं। धर्मराज बहुत नीति निपुण थे, बोले हनुमान जी मुझे आपसे शस्त्र नहीं उठवाना है, कुछ नहीं करवाना है, बस मेरी एक तमन्ना है कि मैं मरूं तो तुम्हारे सामने मरूं, हारूं तो तुम्हारे सामने हारूं, तुम साक्षी रहना और मेरे प्राण निकल रहे हो, बस तुम मेरे सामने खड़े रहना बस। हनुमान जी कहा युद्ध में तुम मुझे क्या करोगे, बोले कुछ नहीं, आप तो ध्वजा में बैठ जाइए, आप अर्जुन के रथ में देखना, ध्वजा में बजरंगबली बैठे। धर्मराज कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूं ना मैं हारना आपके सामने चाहता हूं, आपके साक्षी में हारना चाहता हूं, आपकी साक्षी में मरना चाहता हूं, मैं आपको इसलिए नहीं ले जा रहा हूं कि आप मुझे रक्षा करना, आप मुझे बचाना, नहीं मैं मरूंगा आपके सामने मरूंगा। कितनी बड़ी नीति महानुभाव। कृष्ण ने भी यही कहा अर्जुन तुम मुझे ले जाकर के क्या कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बोले मधुसूदन मुझे तुमसे कुछ कराना भी नहीं है, बस इतना तो कर सकोगे कि मैं मर रहा हूंगा और आप देख रहे होगे, बस मैं मरते समय इतना देख लूं कि श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं और मेरे प्राण निकल जाएं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। बहुत बड़ी कूटनीति भक्त की, भगवान भी नहीं समझ पाएंगे महानुभाव। श्री कृष्ण समझ रहे हैं मुझे इतना चाहते हैं पांडव, हनुमान समझ रहे हैं कि मुझे इतना चाहते हैं पांडव, ये रक्षा करने का भाव नहीं कर रहे हैं, ये जीतने का भाव नहीं कर रहे हैं, ये यह नहीं कह रहे हैं कि आप मेरी रक्षा करो, ये तो कह रहे हैं कि मैं मरना चाहता हूं आपके सामने। बजरंगबली समझ नहीं पाया। कभी कभी भक्त इतना गहरा हो जाता है महानुभाव, भगवान भी नहीं समझ पाते। कभी कभी भक्त की इतनी शक्तियां हो जाती हैं कि भगवान भी नहीं समझ पाते, भगवान छोटा हो जाता है, भक्त आगे निकल जाता है।